आ गया जी अपना खाना, लग गया सब खाने में, देख लो भाई। क्रॉस कर रहे हैं भूतेश्वर, आपने भूतेश्वर महादेव का नाम सुना होगा, वो यहीं पर है। ऑटो की सवारी हो रही है भाई साहब। आपको कैसा लग रहा, मजा आ रहा है? मेरो वृंदावन, अब यहाँ से करेंगे हम। ये हो गया हमारा पांचवा मंदिर, बहुत बढ़िया लग रहा है। गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। लगभग मान लो कि दो से ढाई घंटा लगते हैं परिक्रमा करने में अगर आप। Hey guys, welcome back to another vlog। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हैप्पी रामनवमी आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से, सोनिया मम्मी की तरफ से हैप्पी रामनवमी। तो आज रामनवमी पूजा पाठ हो गया है, सब उसी में लगे हुए थे। सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा धोकर के पूजा पाठ में लग गए। वो हलवा पूरी बनता है तो वो बना, फिर कन्याएं आई तो उनको खिलाया पिलाया, उस काम से निवृत्त होकर के अब फाइनली अपने अपने काम में लग गए। क्योंकि अब 12 बज गए हैं और 2 बजे हमें निकलना है। सोनिया गई है पार्लर क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल रहा था, तो मुझे भी शेविंग में टाइम नहीं मिल रहा था, तो मुझे अब जाकर शेविंग की है। तो थोड़ा सा जैसा ठीक ठाक कर लिया, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि हड़बड़ में रहता है ना। खैर छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस थोड़ा सा कलर कर लिया ठीक रहा। बहुत ज़्यादा व्हाइटिश हो रही थी इसलिए। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत लास्ट मोमेंट पैकिंग देख रहे हैं कि गैजेट वगैरह चार्ज हो गए हैं, लगा दिए थे कल रात में ही। मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, वो सुबह कहीं जाना होता ना तो हड़बड़ा वो रहता है, तो थोड़ा सा उनकी नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा सा मतलब क्या स्ट्रेस टाइप हो जाता है, कहते हैं ना लोग स्ट्रेस हो जाते हैं कि ट्रैवल करना होता है, तो उस तरह का है। सुने अभी पार्लर गई हुई है, वो आ जाए उसके बाद कुछ देखते हैं कि और कुछ तो रह नहीं गया तो पैक करना हो। बाकी कपड़े रहते तो ऑलमोस्ट पैक हो गए थे। तो भैया आज का व्लॉग होने वाला बहुत बढ़िया, जल्दी से मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। अभी वीडियो में पूरा एंड तक देखना, वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, मजा आएगा। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो अभी से कर देना ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहें, ठीक है? अभी फिलहाल वेट करते सुनिए के, तब तक इधर उधर का काम देख लेते हैं कुछ इधर उधर ताकि रहना जाए। इधर पीछे एक ही बैग हो गया है, एक ही बैकपैक हो जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत सामान रख लिया, जैसे मेडिसिन वगैरह, पानी बॉटल वगैरह, कुछ खाने पीने का आइटम वगैरह तो रख लिया। तो फिलहाल यही दो रहेंगे, ये तो बैग में मैं ला दूंगा। वो ट्रॉली बैग रहेगा तो उसको कहीं भी ट्रॉली की तरह उसको लटकाना नहीं पड़ेगा, उन्हें खिसलाते हुए ले जाएंगे। बस स्टेशन पर ही थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, और अगर कहीं ऑटो वगैरह से उतरते हैं तो वहाँ नहीं तो आराम से इतना जहाँ मिलेगा, क्योंकि तीन चार बैग होना तो फिर संभालना मुश्किल होता है। एक बैग हो चाहे जितना भारी हो आराम से उठ जाता है। तो फिलहाल सोने का वेट हो रहा है, अभी फिलहाल वो आ जाएं तो उसके बाद अपना रेडी होते हैं, फटाफट निकलते हैं क्योंकि 12:30 होने आ रहे हैं। 2 बजे तक हर हाल में निकलना है क्योंकि ऑटो भी करना है नज़दीकी मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि ऑटो से हम पूरा सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है। ऊप्स, ये तो बता दिया। खैर कोई नहीं, वो धीरे धीरे पूरे वीडियो में पता चलता रहेगा यार, बने रहो वीडियो में। और लाइक कमेंट रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी भी रहेंगी व्लॉग में, वो थोड़ा कम आती हैं क्योंकि उनको भी थोड़ा वो अपनी तबीयत, उनको लगता है कि अभी तबीयत नहीं है, शकल वैसी हुई जा रही है। मैंने ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मम्मी तो टेंशन मत लो, हर किसी की तबीयत खराब होती है, उम्र का सब रहता है। कहने चलो ठीक है, तुम अपना बनाते रहो, हम अपना जैसे होंगे ना आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम परेशान ना हो, ठीक रहो। चलो फिलहाल देखते हैं, जल्दी से फटाफट आ जाए। मैंने टी शर्ट डाली हुई, जींस पहनने जा रहा हूँ, जींस पहन के बाकी सब घर भर का सब देख लेता हूँ, क्या चीज़ बंद करनी क्या चीज़ नहीं बंद करनी, क्योंकि फ्रिज हम खुला छोड़ करके जाते हैं, इन सेंस ऑन करके जाते हैं, बंद करके नहीं जाते। तो गाइस बज गए हैं 2, हम लोग को निकलना है। मम्मी रेडी है, सोनिया रेडी हो रही है, सामान पैक हो गया, बस अब ऑटो करते हैं और सेक्टर 21 वाले मेट्रो स्टेशन चलते, क्योंकि मम्मी को ऑटो से दिक्कत होती है इसलिए वहाँ से मेट्रो पकड़ लेंगे, सीधा नई दिल्ली स्टेशन हो जाएंगे। तो वो लोग उधर से ऑटो से निकल गए, हम लोग भी फर्स्ट 1-2 मिनट में निकल रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आगे स्टेशन पर। एयरपोर्ट मेट्रो ले लिए, 20 मिनट में 22 मिनट में वहाँ पे न्यू दिल्ली पहुँचा देगी। तो यहाँ तक तो भी मम्मी ठीक हो ना, ऑटो में कोई लगा तो नहीं है? चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ज़्यादा ऑटो का ट्रैवल पे दिक्कत करता है, इसलिए हमने कहा कि सेक्टर 21 से एयरपोर्ट एक्सप्रेस है वो सीधा निकल जाएगा। लग रहा ना तो उस साइड बैठ जाओ। हाँ अगर उस साइड बैठना है तो उस साइड बैठ जाओ, पता नहीं। तो कोई नहीं, 20-25 मिनट में भी स्टेशन पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं। चढ़ने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रियों से अनुरोध है कि दरवाजों से हटकर खड़े हों। तो गाइस बज गए 3:20 और अपनी ट्रेन भी लग गई है। तो अपनी ट्रेन आ गई है, बस बैठते हैं, बहुत थकान हो गई क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है, सभी लोग परेशान हैं। ये रहे अपने सब लोग और बस ट्रेन लग गई, बैठेंगे और सीधा टंटना, 1.5 घंटे का रास्ता है। हाँ तो तेलंगाना हैदराबाद में ही आता है। चलो ये ट्रेन रुक गई, अपना B2 कोच है, B2 पे एक ही कोच में अलग अलग सीटें हैं। सब लोग जोर से बोल दो राधे राधे, चलो 1-2-3 जय श्री राधे, जय श्री राधे।
तो ये अपने लोग ट्रेन में बैठ गए, 3:36 से 4 बजे का टाइम है, अभी तो आधा घंटा है। बाहर धूप हो रही है तगड़ी वाली, अंदर चल रही है कोल्ड ड्रिंक का दौर। और लो भैया पेठा आ गए, पेठा खाने किसी को, पेठे लेना, पेठे पेठे आ गए, पेठे दही वाले गोलगप्पे खाने उसे। और भाई पेठा तो यहीं आ गए, गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है, अभी तो गर्मी इतनी हाल हो गई, अच्छी खासी गर्मी हो रखी है भाई। ट्रेन चले तो कुछ मजा आए, 1.5 घंटे का सफर है, तो मैं आप लोग को बता दूं, वैसे तो आप थंबनेल लेकर के समझ ही गए होंगे। हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन घूमने, हमने तो देखी के समझ ही गए होंगे, तो चलो मिलते हैं, जयकारा लगाते हुए चलेंगे आराम से, भगवान की कृपा बनी रहे। तो अभी 1.5 घंटे का सफर है, सीटें अलग अलग थी लेकिन एडजस्ट हो गई हैं, कोच एक ही है, सीटें अलग अलग हैं, तो आराम से इधर उधर सीटें एडजस्ट कर ली हैं। अभी फिलहाल 4 बजे निकलेगी ट्रेन यहाँ से, थोड़ा बहुत व्यू यहाँ से देखेंगे, बाहर तो जाएंगे नहीं, मम्मी चिल्लाएगी फिर। ऑन टाइम डिपार्चर, लो जी आ गया जी अपना खाना, लग गया सब खाने में, देख लो भाई ट्रेन का खाने की बात ही अलग होती है, खाते खाते चलते हैं। अभी तो ओखला ही क्रॉस किया, अभी तो ट्रेन भी स्लो हो गई है। अब भाई रेलवे के किनारे किनारे इतनी गंदगी रहती है ना, पूछो यार, मतलब खड़ा हो जाए तो बदबू बदबू आती खाली। चल ले भाई 1.5 घंटे का ट्रैवल है, 1.5 घंटे में मथुरा पहुंच जाना है, तो आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया, 1 घंटे का ट्रैवल और है। सामने मेट्रो दिख रही है, तो मेट्रो जा रही है।
गाइस टाइम हो रहा है 5:22 और हम लोग मथुरा पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में। हमने कहा सामान बाहर निकाला था, कोई गाड़ी 2 मिनट रुकती है ताकि सब लोग आराम से उतर जाएं। तो चलो जैसे ही मथुरा आता है उतरते हैं। भूतेश्वर है, भूतेश्वर स्लो हो जाएगी यार, आउटर पे बैठ जा, बैठ जाओ, अभी 15 मिनट और लगेंगे। हाँ 5-10 मिनट यहाँ से लगेंगे। तो गाइस हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं भूतेश्वर। आपने भूतेश्वर महादेव का नाम सुना होगा, वो यहीं पर है। मुझे भी वही पता चला कि भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर यहीं पर है। चलो हर हर महादेव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है मथुरा, तो मथुरा तक तो ये थोड़ा स्लो स्लो ही जाएगी।
मथुरा स्टेशन आ ही गए। पाँच 47 हो गए और हम लोग आ गए यहाँ पे मथुरा। हम मथुरा से सीधे पहले सोच रहे थे कि परिक्रमा कर लें, ये लोग कहने का चलो पहले होटल चलते हैं, होटल में जा करके कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल अभी पहले होटल चलते हैं, यहाँ से लेते हैं ऑटो ऑटो और होटल के लिए निकलते हैं। एग्जिट आ गई है तो यहाँ से आराम से ऑटो करके सीधा होटल निकलेंगे। तो ये लोग तो आराम से आएंगे भाई। चलो भाई होटल चलते हैं, होटल लेते हैं कैसा है। तो भाई लगभग 7 बज गए और हम लोग फाइनली अपने रूम में आ गए, होटल ले लिया। थोड़ा टाइम लग गया होटल में चेकिंग कराने में, आईडी का ये सब कुछ। तो फिलहाल अभी 3 रूम लिए हैं, ये एक दो आ गए हैं, तो अभी वो लोग अपना फ्रेश वेश हो रहे हैं, तो हम लोग आराम से यहाँ बैठ गए। अभी दो उधर रूम हो गए, एक यहाँ पे 3 रूम हो गए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो बस पौने 8 हो गए और अब हम लोग निकल रहे हैं निधिवन के लिए। थोड़ा रेस्ट कर लिया था, चाय पानी भी कर लिया, अब निकलते हैं निधिवन की परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि अभी मौसम मतलब रात में ठीक रहता है ना, ज़्यादा धूप धाप नहीं रहती है, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग सब ये डिसाइड किया कि आज निधिवन की परिक्रमा कर लेते हैं, देखते हैं। निधिवन वैसे तो दिन में है, लेकिन अभी चलो सब लोग बोल रहे हैं तो रात में ही कर लेते हैं। दिन में ये था कि बहुत ज़्यादा सब चीज़ें दिखती कि क्या है क्या नहीं है। अब फिर कभी आएंगे तो दिन में कर लेंगे, अभी फिलहाल रात में कर लेते हैं ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को दिन में गर्मी से दिक्कत होती है। तो अभी यही प्लान था कि तो रात ही रात में कर लो। चलो हाँ तो चलो भाई थोड़ा वो देख लेते हैं क्या सामान इनका, तो निकलते हैं फिर। अभी ठीक ठाक है, अभी भगवान के घर आने के बाद ना सब लोगों की तबीयत ठीक हरी हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। चलो भी निकलते हैं। मैंने कहा चलो बाहर निकले तो थोड़ा होटल के आसपास भी देख लें। ये इसका लॉन बना हुआ है, सामने दोनों बिल्डिंग है, होटल है वृंदा वुड्स, ठीक है पास में है मंदिरों का, तो ये ज़्यादा सही रहा, ज़्यादा इधर से आसपास मंदिर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, सब दो दो तीन तीन किलोमीटर के दायरे में, चाहे प्रेम मंदिर हो और भी जो मंदिर हैं। सामने कुछ सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग कितना चैन से रहते होंगे ना, भगवान का भजन करते करते दर्शन भी करते रहो। वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, वो लोग आ जाएँ, फिर कुछ रिक्शा वक्सा देखते हैं परिक्रमा करने के लिए, जो ई रिक्शा चलते हैं इन्हीं से परिक्रमा हो जाएगी। तो आज ये एक चीज़ कम्प्लीट हो जाएगी, परिक्रमा हो जाएगी। कल फिर मंदिर वगैरह कुछ देखेंगे कौन से मंदिर हैं। प्रेम मंदिर तो बगल में, तो प्रेम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, तो प्रेम मंदिर तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद बाकी बिहारी को देखना है कि किस टाइम जाएँ, क्योंकि भीड़ भाड़ भी देखनी है, ज़्यादा भीड़ होगी तो उन लोगों को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये लोग नहीं जाएंगे। फिर देखते हैं कैसा रहता है। ऑटो की सवारी हो रही है भाई साहब, आपको कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है? अभी हम लोग यार छित्र, क्या नाम है, छित्रपुर छत्तीरा, क्या नाम है, नहीं नहीं पटिगरा, अरे पटिगरा नहीं छत्तीगरा जा रहे ना अभी, तो अभी कोई जगह है छत्तीगरा, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से करेंगे गोवर्धन की परिक्रमा, वहाँ से ई रिक्शा मिल जाएंगे। भाई पीछे बैठे हैं यार, कई सालों बाद पीछे बैठे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। फ्री सवारी, फ्री सवारी। बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, बहुत सही लग रहा है। ये तो अलग है, नहीं अलग है, बात कितनी बढ़िया मूर्ति है, ये तो अलग है, वो अलग है। मेरो वृंदावन। अब यहाँ से करेंगे हम दूसरा ऑटो।
लिया, ई रिक्शा कर लिया, सब इसी में बैठ गए हैं। और एक गिरिराज मंदिर था ना, गिरिराज वैली भाई। 9 बज गए हैं, अब परिक्रमा स्टार्ट करिए। रिक्शा में देख रहे हो कहते झटके लग रहे हैं। हाँ थोड़ी सी रोड ऐसी है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है परिक्रमा करने में। चलो भाई ये रात में तो अंधेरा रहेगा, क्या ही दिखाएंगे, करते हैं परिक्रमा पहले। ये आ गए भैया, मंदिर है श्री मंदिर पूंछड़ी का लोठा। चलो एक एक करके मंदिर देखते हैं। ये हो गया हमारा 5वां मंदिर, बहुत बढ़िया लग रहा है, गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। चलो भाई ये परिक्रमा पूरी हो जल्दी, कोई मम्मी बड़े बुझ लो थक जाते हैं। तो ये बज गए हैं 12:30, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं, और अब हम लोग सीधा होटल आ गए हैं भाई। अच्छे से पूरी परिक्रमा भी हो गई, थकान हालांकि बहुत हो गई, क्योंकि वो ये शुक्र रहा कि मौसम अच्छा रहा, तो शाम के शाम अच्छे बढ़िया परिक्रमा हो गई। लगभग ये मान लो कि 2 से 2.5 घंटा लगते हैं परिक्रमा करने में। अगर आप ई रिक्शा वगैरह लेते हो, ऑटो से थोड़ा बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट कम लगेंगे, लेकिन फिलहाल परिक्रमा बढ़िया से हो गई। और तो माथे का ठीक है, ये छूट गया ऐसे वो गिरा हुआ था, तो अभी फिलहाल आ गया, सबको लगी हुई है थकान और भयानक नींद, तो फटाफट से अब सोएंगे क्योंकि सब लोग थक गए हैं। काफ़ी थकान भरा दिन रहा, लेकिन ये बढ़िया, चलो परिक्रमा बढ़िया से हो गई, ये एक चीज़ नहीं पड़ेगी, कल का प्लान कल बताएंगे। अभी फिलहाल सब लोग अपने अपने रूम में हैं, सोने की तैयारी में, अपना फ्रेश हो रहे, बाथरूम वाथरूम गए हैं, मैं भी अपना फ्रेश होने जा रहा हूँ, सोने के बाथरूम, मम्मी हो जाएंगी, मैं भी जा रहा हूँ, उसके बाद बस तन्नी मार के लेटना है। रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था, तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं, हालाँकि थकान बहुत होगी, बस थोड़ा सा ऊकाई वगैरह वो नहीं हुई, वो शुक्र रहा, बाकी थकान वगैरह बहुत होगी क्योंकि वो थोड़ा तेज के हिसाब से फैक्टर है, तो वो जब रात में सोएंगी तब खाली उन्होंने आराम पड़ जाएगा, अपन भी आराम से लंबे हो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, नींद पूरी हो जाएगी ना, तो सब थकान उतर जाएगी। तो चलो फिलहाल आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, आज राधे राधे करके व्लॉग एंड करते हैं। आज 1-2 दिन और हैं यहाँ पर, तो जितने हो सकेंगे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे, और जितना इन लोगों से घूमा जाएगा उतना ही घुमाएंगे, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जो भी ये मम्मी पापा आए हुए हैं। हम लोग तो कहीं भी तो चल ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को लगता ना कि ज़्यादा ना चलाया जाए, थोड़ा थकान से दर्द वर्द रहता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिलहाल आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो, बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा करी है या नहीं, या बाकी के सारे मंदिर विजिट किए हैं, गोवर्धन परिक्रमा नहीं करी है। गोवर्धन परिक्रमा में भी 2 तरह की परिक्रमा है, एक बड़ी एक छोटी, जैसा कि मुझे आज पता चला कि मैं पहले कभी परिक्रमा करने आया नहीं था। चलो फिलहाल कमेंट करके बताना, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, जय श्री राम।